दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया सा बजट वीडियो गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करवाने की सोच रहे हैं और इस कन्फ्यूजन में कि यार मुझे कौन सा प्रोसेसर वाला पीसी बिल्ड करवाना चाहिए, मदरबोर्ड कौन सा होना चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा होना चाहिए, पीएसयू कौन सा होना चाहिए, रैम कितनी होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होना चाहिए, एसएसडी कौन सी होना चाहिए, कैबिनेट कौन सा होना चाहिए, तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में मैंने एक पीसी बिल्ड करवाया है वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके पहले मैं i7th जनरेशन वाले लैपटॉप में वीडियो एडिट करता था, लेकिन यार एक समय के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लेगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। जैसे ही बहुत ज़्यादा लेयर में एड करता था तो यार बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क करता था वो लैपटॉप, और जब मैं वीडियो एक्सपोर्ट करने जाता था ना तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते थे। वहीं पर यदि मैं वही वीडियो को इस पीसी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में वही वीडियो एक्सपोर्ट हो जा रहा है। तो बताइए कितना फर्क पड़ रहा है, और कितना फर्क पड़ता है ये जब आप एक अच्छा पीसी बिल्ड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यार कैसे आप कम बजट में एक अच्छा सा पीसी बिल्ड करवा सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, बाकी का आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे पता कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो पीसी बिल्ड की कॉस्ट है ना, वो उस पर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का, किस काम के लिए पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं। अब जैसे मान लो आप वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं, तो अब ये वीडियो एडिटिंग के लिए जो आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, इसकी कॉस्ट भी उस पर डिपेंड करेगी कि आप किस लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो बिगिनर है, तो आप ऑब्वियसली बात है, आप नॉर्मल वीडियो एडिट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, कटवट लगाएंगे, कुछ ट्रांजिशन लगाएंगे, कुछ इफेक्ट्स लगाएंगे, कुछ लेयर ऐड करेंगे, कुछ क्लिप्स लगाएंगे, तो आप ये सारा कुछ काम i3 फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन के लैपटॉप या फिर पीसी में कर सकते हैं। लेकिन आज हम लैपटॉप की बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसी बिल्ड के बारे में। तो यदि आप एक नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आपका काम कम बजट में हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, ये समझते हैं कि यार जब आप एक पीसी बिल्ड करवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजों से मिलकर एक पीसी बिल्ड होता है। तो सबसे पहले होता है प्रोसेसर, दूसरे नंबर पे आता है मदरबोर्ड, तीसरा पीएसयू जिसको पावर सप्लाई बोलते हैं, चौथे नंबर पे आप रैम को डाल सकते हैं, फिर हार्ड डिस्क, फिर आप एसएसडी डाल दीजिए, उसके बाद कैबिनेट, फिर आता है ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शनल रहता है, लेकिन जो ग्राफिक्स कार्ड की कॉस्ट होती है ना, वो आपका पूरा पीसी एक तरफ और एक ग्राफिक्स कार्ड एक तरफ, मतलब इतने महंगे महंगे ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। और जो नेक्स्ट लेवल की वीडियो एडिट करते हैं ना, तो उनको यार ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, बिना ग्राफिक्स कार्ड के अच्छी वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं पाती है। लेकिन जब आप बिगिनर होते हैं, एक नॉर्मल वीडियो एडिट करते हैं, तो आप बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी काम चला सकते हैं। अभी तक 2 से 3 साल तक मैंने अपने लैपटॉप में बिना ग्राफिक्स कार्ड के ही वीडियो एडिट किया है। अब दोस्तों, आपको यहां तक ये तो समझ आ गया होगा कि यार किन किन चीज़ों से मिलकर पीसी बिल्ड होता है। अब चलिए देखते हैं कि यार आपको कौन सा पार्ट्स कहाँ से लेना है, कितने का लेना है, कैसे मिलेगा, और कैसे आप एक कम बजट में पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में कि यार आपको किस प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोसेसर है, जैसे कि i3 हो गया, i5 हो गया, i7, i9 हो गया, फिर AMD के आते हैं, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए? तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत ही कम प्राइस का प्रोसेसर है i3 12th जनरेशन, 8000 रुपये अमेजन पे दिखा रहा है। आप शॉप में पता कर लीजिएगा, यदि आपको दुकान में कम प्राइस में मिल रहा है तो वहाँ से लीजिएगा, नहीं तो आप अमेजन से मंगा लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब जैसे मान लो आप एक नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो आप i3 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। यदि आप एक अच्छी लेवल की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, यदि आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है 10,000 रुपये के आसपास, तो आप जाइएगा इंटेल i5 10th जनरेशन के साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, या फिर आप i5 12th जनरेशन के साथ भी जा सकते हैं। ये भी आपको 10,000 रुपये के बजट में देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इंटेल i5 12th जनरेशन 10,990 रुपये अमेजन पे दिखा रहा है। आप जा सकते हैं i7 के साथ भी, लेकिन i7 यार 22,000 रुपये का दिखा रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ा देगा आपका पीसी बिल्ड की। तो आप i5 12th जनरेशन के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपके पास और ऑप्शन है, आप Ryzen 5 के साथ भी जा सकते हैं। Ryzen 5 5600G यदि आप ले लेते हैं, तो इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड डालने की जरूरत नहीं रहेगी, इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड रहता है, और साथ ही में Ryzen 5 3600 है, तो यहाँ पे आपको Ryzen 5 के बहुत सारे प्रोसेसर मिल जाते हैं 10,000-12,000 रुपये के बजट में। अमेजन पे मुझे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लग रहा है, आप शॉप से पता कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्राइस कम मिलेगा, ऑनलाइन प्राइस वैसे भी ज़्यादा होता है चीज़ों का, देख लीजिएगा। यदि आपको जहाँ पर कम प्राइस मिले आप वहाँ से ले लीजिएगा। अब उसके बाद, ये तो हो गई प्रोसेसर के बाद, आप i3 12th जनरेशन ले लीजिए यदि आप बिगिनर लेवल की वीडियो एडिट करना चाहते हैं। यदि आप एक अच्छी लेवल की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं Ryzen 5 के साथ, या फिर i5 10th जनरेशन या फिर 12th जनरेशन के साथ। अब चलिए देखते हैं कि यार आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइस के साथ मदरबोर्ड देखने को मिल जाते हैं। मदरबोर्ड तो यार 1400-1500 रुपये से चालू हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छा प्रोसेसर ले रहे हैं 10,000-11,000 रुपये के बजट का, तो मैं कम से कम बोलूँगा कि यार आप गीगाबाइट का भी 450M इस मदरबोर्ड का लीजिए, या फिर आप MSI का मदरबोर्ड आता है B450 से नीचे के आपको मदरबोर्ड लेना ही नहीं है। हो सकता है यदि आपका बजट ज़्यादा हो तो आप 550 के साथ चले जाइए, लेकिन आपको 450 से नीचे मॉडल के मदरबोर्ड नहीं
ही लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप ग्राफिक्स कार्ड डालेंगे, आप यदि कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो आप जा सकते हैं गीगाबाइट के साथ या फिर MSI के साथ। याद रखना है कि आपको B450 से कम मॉडल के मदरबोर्ड नहीं लेना है। दोनों ही आपको 4-5 हज़ार रुपये के बजट में मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 हज़ार रुपये दिखा रहे हैं, दुकान में आपको 4,000-4,500 रुपये के आसपास आराम से मदरबोर्ड ये मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं PSU की। PSU मतलब वही पावर सप्लाई। पावर सप्लाई भी आपको 1,000-1,200 रुपये से स्टार्ट मिल जाएगी। तो कम से कम आप पावर सप्लाई जब लेने जाए तो 500-600 वॉट की लीजिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो एडिट का काम कर रहे हैं, आज आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग तो कर पा रहे हैं, आप यदि कम वॉट की भी पावर सप्लाई लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब आप उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, जब आपके पास पैसा हो जाएगा, तब जाके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अभी से एक अच्छा मदरबोर्ड ले लीजिए। सॉरी, मदरबोर्ड तो लेना है, PSU की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा PSU ले लीजिए। तो PSU आप किसके साथ जाएंगे? PSU यहाँ पे आपको डीपकूल कंपनी का मिल रहा है 650 वाट का 4,000 रुपये में। ANT स्पोर्ट का मिल जाएगा आपको 3600 रुपये में। साथ ही में आप कूलर मास्टर के PSU के साथ भी जा सकते हैं, 650 वाट का है, 80+ ड्रोन सर्टिफाइड, 120mm HDB फैन लगा हुआ है। और यही PSU मैंने अपने PC बिल्ड में लगवाया है तो अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करने को नहीं मिली है। इन फ्यूचर जब आप ग्राफिक्स कार्ड डालेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इस PSU से। ये तो मेन चीज़ हो गई, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, PSU। अब बात आती है रैम की, तो आपको अलग अलग प्राइस में रैम देखने को मिल जाएगी। आप 8GB की रैम लेंगे तो आपको कम प्राइस में मिलेगी, आप 16GB की रैम के साथ जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगी, 32GB की रैम लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा प्राइस में मिलेगी। तो 1500-1600 रुपये में आपको 8GB की रैम मिल जाएगी। तो कम से कम आप 8GB की रैम तो डालिए ही डालिए अपने PC में। उससे क्या होगा कि आप एक अच्छी वीडियो एडिट कर पाएंगे। जब आप 4K वीडियो एडिट करने जाएंगे तो आपको 16GB की रैम की नीड होगी। तो देख लीजिएगा आप अपने बजट के हिसाब से, आज आप 8GB की रैम ले लीजिए, यदि आपके पास बजट नहीं है तो इन फ्यूचर आप फिर से 8GB ले लीजिएगा। लेकिन यदि आप एक अच्छा नेक्स्ट लेवल का वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप अभी से 16GB की रैम डाल लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आज 16GB की रैम आज आप ले रहे हैं तो अगली बार आप 16GB ले लीजिएगा तो 32GB की रैम हो जाएगी और आप एकदम फाड़ू वाले वीडियो एडिट कर पाएंगे। यदि बात करें SSD की तो आपके पास फिर से बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। आपको 2,200 रुपये में SSD देखने को मिल जाती है। तो कम से कम आप 256GB की SSD तो डालिए ही डालिएगा अपने PC में। और हार्ड डिस्क की भी बात करें तो आप 1TB डाल लीजिएगा स्टोरेज के लिए, वो भी आपको 2,200-2,500 रुपये की देखने को मिल जाएगी। WD की ले लीजिएगा, आपको 2,800 रुपये के आसपास मिल जाएगी। SSD मैंने आपको बता दिया 256GB कम से कम आप डाल दीजिएगा। यदि आप 500GB की ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। SSD डालने से क्या होता है कि आपके PC की जो स्पीड है ना वो एकदम ओसम आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से काम करेगा। वीडियो एडिट करने जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग मजा आएगा। उसके बाद आखिरी क्या है, कीबोर्ड माउस। 1,000-1,200 रुपये का आपको कीबोर्ड माउस मिल जाता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप HP का वायरलेस कीबोर्ड माउस ले सकते हैं। यदि आप RGB वाला लेना चाहते हैं तो जेब्रोनिक्स का ले सकते हैं, 799 रुपये का दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड, जो कि यार मेन चीज़ है। इसी से स्मूथली वीडियो एडिट हो पाती है, बहुत फास्ट रेंडरिंग हो पाती है। तो आपको ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। कम से कम आप GT 730 4GB वाले ग्राफिक्स के साथ जा सकते हैं, यदि आपके पास बजट नहीं है तो। यदि बजट होगा ना थोड़ा सा तो मैं आपको बोलूँगा कि यार आप इस ग्राफिक्स कार्ड को तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कम से कम आप GTX 1650 जो ग्राफिक्स कार्ड है इसके साथ जाइएगा, ये आपको 14,000 रुपये के बजट में मिलेगा। आपको दुकान में कम में मिल जाएगा, 10-12,000 रुपये के आसपास। तो कम से कम आप 1650 या फिर 1080 जो GTX वाला ग्राफिक्स कार्ड होता है आप उसके साथ जाइएगा। ग्राफिक्स कार्ड ही मेन चीज़ होता है जब आप एक अच्छी वीडियो एडिट करना चाहते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिट करते हैं ना उनके पास तो यार लाख लाख रुपए के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। मतलब क्या, उनका PC खुद 50,000 रुपये में बिल्ड हो रहा है लेकिन ग्राफिक्स कार्ड उनके पास 1,00,000 रुपये का रहेगा। बताइए सिर्फ एक पार्ट, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब आपके PC में ग्राफिक्स कार्ड होता है तो। और दोस्तों, मेरे PC में खुद GT 730 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और मैं फिल्मोरा में वीडियो एडिट करता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर विजिट करके कि यार मैं कैसा वीडियो एडिट करता हूँ। तो अभी तक तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली फिल्मोरा में, और बहुत ही स्मूथली काम करता है जब मैं वीडियो एडिट करने जाता हूँ तो, और रेंडरिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। और मेरा जो PC यदि मैं बात करूँ इसमें मैंने कौन सी चीज़ें यूज़ किया है, तो इसमें Ryzen 5 5600X वो प्रोसेसर लगा हुआ है। PSU की यदि बात करें तो कूलर मास्टर का 650 वाट का PSU लगा हुआ है। मदरबोर्ड की यदि बात करें तो गीगाबाइट का B450M मॉडल का मदरबोर्ड लगा हुआ है। और कूलर मास्टर का ही मैंने कैबिनेट लगाया हुआ है। ग्राफिक्स कार्ड मैंने आपको बताया जेब्रोनिक्स का 730 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ है। तो इतने में यार मुझे अच्छी वीडियो एडिटिंग का मजा ले पा रहा हूँ मैं। अभी तक मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। ये वीडियो थोड़ा शायद हो सकता है लंबा हो गया होगा लेकिन आपको चीज़ें सारी कुछ समझ आ गई होगी। यदि आपका फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि कुछ सवाल होगा तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं।